कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज है ईद का तीसरा दिन और हम लोग हैं अम्मी के घर पर, और क्योंकि अम्मी के घर तीसरे दिन सब लोग आते हैं। अप्पी आई हुई है, दोनों भाभी हैं हम लोग के, और उदयर भाई जा चुके हैं इस्लामाबाद। जैसा आपको बताया था, उदयर भाई की सुबह की फ्लाइट थी, उदयर भाई चले गए। और फैजी का भी आज इवेंट था तो फैजी भी चले गए, तो इसी मारे सिर्फ मैं और मम्मा हैं। और आप लोग के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ भी है। ईद के दिन हमने फर्स्ट ईद का व्लॉग बनाया, सेकेंड ईद का बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आप तो जैसे जानते हैं मम्मा अपने दो मुर्गों से, अनमोल रतनों से बहुत मोहब्बत करती थी। वो जो छोटा एक था जो मैंने आप लोग को व्लॉग में बताया था, उसने मेरे को काटा था और ऊपर रख दिए थे मम्मा ने, तो बेचारा इंतकाल कर गया। वो बहुत अफसोस हुआ, मम्मा तो इतना रो रही थी। हमने दूसरे दिन ना कुछ तैयार हुए, ना हम कहीं गए, ना हमने ईद बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। मम्मा तो इतना रो रही थी। अम्मी आई हुई थी, ताबी आई हुई थी, सब लोग घर पे आए हुए थे, लेकिन हमने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मम्मा करती थी बहुत उनसे मोहब्बत। तो इसी मारे बहुत अफसोस हुआ। आप लोग मम्मा को कमेंट करिएगा, बोलिएगा इनकी कोई बात नहीं, जाने वाली चीज़ थी। हम लोग ने मम्मा को, मम्मा शायद घर पे कोई बुराई होगी या कुछ होगा, तो इसी मारे वो आपका मुर्गा मर गया। अप्पी और मम्मा, मम्मा बहुत उदास हैं। मम्मा ने कल व्लॉग भी नहीं बनाया, जिसमें मम्मा के घर सब लोग आए हुए थे। क्यों आप व्लॉग नहीं बनाया आपने? मम्मा का एक लड़का अदद मुर्गा मर गया। अब भाभी आ गई है रेडी होके। अब बता दूँ हम लोग के साथ हुआ क्या क्या, कब से तैयार हैं? लाइट नहीं थी पहली बात तो, हम लोग की लाइट जाना शुरू हो गई ईद के तीसरे दिन 6 बजे गई। जितनी देर में हम लोग तैयार होंगे नहीं चलते, उसके बाद 10 मिनट बाद एकदम लाइट चली। आप उदैफी को बुलाएं, जल्दी से पिक्चर्स ले लेते हैं, ताकि कुछ तो हम लोग ने तैयार हुए थे। ईद हमने तीसरा दिन बनाया था। और अप्पी आई हैं, आजकल सबने थोड़े थोड़े मैचिंग कपड़े पहने। और ये रही उमैमा, और अम्मी ये रूम में पापा के पास। अप्पी, मम्मा और भाभी गई ऊपर रेडी होने। अब भाभी कर रही है खाना पकाने की तैयारी। खाना तो बन चुका है भाभी, क्या बनाया आपने? चिकन कढ़ाई बनाई, बिरयानी बनाई। किसने बनाई? कढ़ाई मैंने बनाई, बिरयानी बिरयानी में। अब क्या बना रही हैं? रायता बनाऊंगी। रायता बना रही हैं। हो रही थी पिक्चर, सबने ले ली पिक्चर। भाभी पकड़ी है रिंग लाइट पकड़ के। भाभी को आज का ये काम दिया है, अप्पी की भी हो गई, अम्मी की भी हो गई और मम्मा की भी हो गई। मम्मा अपना फुल लुक तो दिखा दें। मम्मा ने की है ये ड्रेसिंग, और भाभी ने की है ये ड्रेसिंग, और अप्पी पिक्चर्स ले रही हैं, और अम्मी अब आ गई हैं रिंग लाइट पकड़ने, और उमैमा जा रही है यहाँ सब देख रहे हैं। बहुत सारी क्या घूम रही है अम्मा, छुपकलियाँ। बड़ी नंद और बड़ी भावच का हो रहा है शूट, दोनों की पिक्चर्स हो रही हैं। और ले रही है अब उदैफी, क्योंकि पहले मैं ले रही थी, मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाऊँगी, उदैफी आप पिक्चर्स लो। अम्मी की मोहब्बत देखो, बेटी और अपनी बड़ी बहू को किस तरह रिंग लाइट दिखा रही हैं। ऐसी अच्छी सास कहीं नहीं मिलेंगी। भाभी देख लो ऐसी अच्छी सास, वीडियो भी बना दो। सासुमा लाइट दिखा रही है। भाई उमैमा उदैफी को भी लाओ, उमैमा उदैफी जाओ तस्वीर खिंचाओ। उमैमा लगी हुई है अपने कामों में, आज हमने फेंक दिए राइस। हाँ। तो माम उठा रहा है, मच्छर आ जाएंगे। अब उदैफी आप थोड़ा इधर हो, मैं इधर हो, भाभी इधर हो, अप्पी इधर हो, फिर तानी है। तो भाई अब वफा खड़ी है अपनी तीनों नंदों के बीच में, बड़ी छोटी फिर उससे छोटी, तीनों चारों माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैं मम्मा को नहीं, मेरे को देखना है। आपकी वो कहा है देवरानी, ऊपर वो तैयार हो रही है, अभी आती है वो। अब मेरी आप तरफ ये झटपट तैयार हो गई थी, और मैं सासू माँ खड़ी हूँ। 20 मिनट में मैं तैयार हो गई, जिसमें मैंने शावर भी ले लिया, मैं तैयार भी हो गई, कपड़े भी प्रेस कर लिए, सब कुछ कर लिया। झटपट बहू कलर का लाइट चली आई हमारी फिर से। चलो भाभी आप मेरी अपनी ईद कैसी रही? अभी भाभी अपने मोबाइल में रुक आओ, और अब करा रही है महक और कुंजा फोटो। पापा खींच रहे हैं इनकी तस्वीरें। वरीशा आएंगी, वरीशा की तस्वीरें नहीं खींच पाएंगी। चलो
ये इनकी माँ भी है पालने वाली और ये इनकी बहन भी है। इसी महक ने ही मिर्जा को ज़्यादा प्यार, यानी कि इसको ज़्यादा पाला है पोसा है इसी ने। माँ हमको गुस्सा है, उनसा के साथ ले लो बच्चा जल्दी से, तू जरा आ चुकी हूँ। सबसे लेट आई है तैयार होकर, ये लाइट गई भी थी, ये सोई भी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब हुआ इसका। अब ये लास्ट में गई है तैयार होकर, अब आई है जिसमें हमने बहुत सारी खेती है, वरीषा के साथ हो गई है तैयार। अब फिर हो रहा है वरीषा और उनका का फोटो, इन लोग की फोटोओं से कभी पेट ही नहीं भरे, और ना भरा था ना भरा है, और मैं वहाँ वो खड़ी हूँ और ये तैयार। हम तुम यूं ही मिलते रहे। खाने में क्या क्या बनाया है, खाने में क्या क्या बनाया है, खाने में माशाल्लाह बिरयानी बनाई है, क्या अच्छी खुशबू आ रही है कि देख के भूख लगने लगी। और सालन में बनाया है क्या है, कढ़ाई बनाई। और मीठे में तो आप लोग को पता है ईद है तो शीर कोरमा होगा। और बनाया सब इन्होंने बड़े मज़े की बिरयानी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे लग रहा है शादी की देख की खुशबू। जिसको खाना है वो आ जाए हमारे घर पे खाने के लिए, मैं कल भी लोग आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। इनने तो पिया हुआ है बहुत ज़्यादा, यानी कि तीसरे दिन से लाइट जाना शुरू हो गई है और लाइट बिल्कुल से जा रही है आ रही है, बस दिमाग खराब करा हुआ है। अब दस्तरखान सब गए अंदर किचन, क्योंकि वहाँ ये है ड्राइंग रूम, ये सेट नहीं हुआ तो सब यहाँ दस्तरखान ने का लगा लें, सब यहाँ खाना खाएंगे। और ये मम्मा उदयर भाई को अभी एक दिन भी नहीं हुआ, मम्मा उदयर भाई को मिस करने लगी, क्योंकि भाई मम्मा के तो बड़े बेटे और गाड़ी खड़ी थी अम्मी के घर। उमैमा लगा रही हमारी दस्तरखान, बहुत अच्छी बच्ची है और हम लोग ले रहे हैं पिक्चर, बहुत मेहनती बच्ची है। बोली मम्मा ने कहा ये किया, और ये है फैजी का मग। किसने फैजी घर के लिए लेके आया अम्मा? एक तो यहाँ रोड इतनी आवाज़ें आती है, इतना शोर होता रहता है गाड़ियों का। सब लोग खाना खाने और उदासी भी आ रही है खाना खाने, और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। मम्मा तो हो गई मेरे बिना खाना खाना शुरू। खाना पीना हमारा हो चुका है ख़त्म। यासम अजीब ने बनाई थी बिरयानी और सालन बनाया था वफ़ा ने, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की दोनों चीज़ें थी। और माम से ये लोग मांग रही ईदी, हाँ ईदी दो दिखाओ। वाओ वाओ, अब महक बांट रही है सबको ईदी। चलो अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी और सिर्फ मेरी। असल में लोग देख ले, लड़कों को नहीं दी जाती पर लड़कियों को दी जाती है। हां ये मेरी है, भाई मेरी दी दे दो भाई, तभी तो कह रही हूं मेरी और मेरी ही दी। अब दी जा रही है उनका वो दी। अस्सलाम वालेकुम मेरी है मम्मा से वफा भी गई थी। ये भाई अब अप्पी को मिलेगी ईदी, उदैसी को और मैमा को, कल उदयर भाई देखे गए थे ईदी, सिर्फ आप लोग बचे मैं और वरीषा और अप्पी और महा। सामान नहीं देना, नजर रखना कहीं भाभी गायब कर दे। ये भी नहीं है। चलो भाई अब मिल ली अप्पी को ईदी, महाम की भी ईदी, ये रही माम की ईदी, ये माम की, ये है मरी, ये नानू को शाम करो जल्दी से, नानू को शाम करो, ईद वाला अरे खुश कित हो रही है, काका को दे दो, काका को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू।
अब ये बची है वरीशा भाभी की दीदी, जो कि वरीशा भाभी आई है अभी ऊपर। नई काम वाली रखी है आपने, हम लोगों ने नई काम वाली रखी है। आप लोग ड्रेसिंग पे मत जाइएगा, हम अपनी काम वाली को भी इस काम वाली को रख लो, काम वाली सारा काम करेगी, इन काम वाली के नखरे भी उठाने पड़ेंगे। फिर मैं टाइम से कहूंगी जब मैं झाड़ू निकालती हूँ कोई फर्क नहीं है, फिर झाड़ू भी वैसे दिखेगी, फिर और अरे क्या हो गया ये जो टिकटॉक को खड़ी होके बनाती है ना इसके सामने, वही हरकतें कर रही है अम्मा, ये देखो ये ऐसे करती है ना, वही कर रही है। प्लीज प्लीज ये खाला वरीशा भाभी और चेंज करके आ गई हैं वो कपड़े, और मम्मा ने भाभी को दे दिए ईदी, और यहाँ सब कर रहे हैं। सिर्फ अड़सल भाई का वेट, किस लिए ईदी देना भाभी को, हमारे को ईदी दिलवाने का ज़्यादा शौक नहीं है, ये इसलिए और बुला रही है। मम्मी पता है क्यों बुला रही, कह रही है तुम लोग को मिलेगी तो मुझे भी ईदी मिलेगी। उड़ा अच्छा उड़ा रहा लेकिन ज़्यादा उठाना भाई भाभी को ईदी। अल्लाह पाक जो भी दे क्या कहते, तो मम्मा से तो ऐसे दुआ लेने आ रही हो जैसे मम्मा बाबा मम्मा दम कर रही हो। अम्मा थैंक यू बोल दो।